सेंटेंसेस सबने पढ़ा है 12 मॉडल्स? नहीं पढ़े कोई गल नहीं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। सबसे सरल चीज क्या है बताओ? मॉडल्स है कि नहीं? ओके अभी क्या, अभी देखो जस्ट दो मिनट में पूरे एक्सप्लेन कर देता हूँ, सबको समझ में आ जाएगी। कितने ग्रुप हैं? चार। कितने ग्रुप? वी हैव फोर ग्रुप। इन द ग्रुप फर्स्ट कैन कुड विल बी एबल टू, इन द ग्रुप सेकेंड शुड मस्ट ऑट टू, इन द ग्रुप थर्ड हैड टू एंड विल हैव टू, राइट। एंड इन द ग्रुप फोर यूज टू नीड टू और डेयर टू। आई क्या बात समझ में सारे स्टूडेंट्स को? इन द ग्रुप फर्स्ट यू कैन सी कैन कुड विल बी एबल टू, इन द ग्रुप सेकंड शुड मस्ट ऑट टू, इन द ग्रुप थर्ड हैज हैव टू हैड टू और विल हैव टू, एंड इन द ग्रुप फोर्थ यूज टू नीड टू एंड डेयर टू। कैन बताओ, जो भी काम आप कर सकते हो, जो भी आपसे बनता है। मैंने आपसे पूछा चलो बताओ क्या क्या कर सकते हो आप, तो आपने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं खाना पका सकता हूं, आई कैन कुक फूड, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? समृद्धि। मैंने कहा समृद्धि इंग्लिश बोल सकती है, क्या बोलेंगे हम? समृद्धि कैन स्पीक इंग्लिश। अरे बात समझ में? ओके, समृद्धि स्कूल जा सकती है, बोलो समृद्धि कैन गो टू स्कूल। आया क्या समझ में? दिमाग में क्लिक हो रहा है सभी को? वेरी गुड। ओके, बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या बोलोगे? चिल्ड्रन कैन प्ले क्रिकेट। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डू यू नो क्या है? सब्जेक्ट कैन वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। मतलब सबसे पहले क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? वी आई का मतलब होता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, वो आपकी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है? जो काम को करे, द वन हु परफॉर्म एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और जिस पर काम हो, जिस पर काम हो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में सभी को? अच्छे से अभी स्टेज फेस करना है, इसलिए तैयार हो जाओ बिल्कुल अच्छे से। ओके, मैंने कहा मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता था, मैं वहां जा सकूंगा, मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता था, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मैं वहां जाया करता था, मुझे वहां जाने की जरूरत है, और मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू। आई क्या बात समझ में? नहीं आई? ओके, आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड, आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए, You must speak English. आपको English बोलनी पड़ती है. You have to speak English. आपको English बोलनी पड़ती थी. You had to speak English. अच्छा, आप English बोला करते थे. Habit of past. जो भी काम past में आप किया करते थे पहले, उसके लिए क्या लगाओगे? Used to. क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? Okay. आप English बोला करते थे. You used to speak English. आप यहाँ आया करते थे. You used to come here. आप वहाँ जाया करते थे. You used to go there. आपको वहाँ जाने की जरूरत है. You need to go there. वहाँ मत जाओ. सबको बोलना है. वहाँ मत जाओ. वहाँ कभी मत जाओ. मैं वहाँ जाया करता था. I used to go there. पहले देखना है फिर बोलना है ना, तुक्के बिल्कुल नहीं मारना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, पहले सुनना है, एंड देन वी हैव टू स्पीक. ओके, मैं इंग्लिश बोला करता था. I used to speak English. मैं यहाँ आया करता था. I used to come here. मुझे यहाँ आने की जरूरत है.
आई नीड टू कम हियर, मुझ में आने की हिम्मत है, आई डेयर टू कम हियर, मुझे आना पड़ता है, आई हैड टू कम हियर, मुझे यहाँ आना पड़ता था, आई हैड टू कम हियर. द नेक्स्ट, तुम्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए, यू मस्ट कम हियर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाने की हिम्मत है, वहां मत जाओ, वहां जाओ, गो देयर, सेंटेंसेस बनाओ, मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मत बनाओ, डोंट मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कभी मत बनाओ, नेवर मेक सेंटेंसेस. चलो हम कुछ नया सीखें. Let's learn something new. क्या बोलोगे? Let's learn something new. चलो हम क्रिकेट खेलें. Let's play cricket. चलो हम इंग्लिश सीखें. Let's learn English. चलो हम खाना खाएं. Let's eat food. ऐसे ही स्टूडेंट.